पाँच साल के कामों के बदले जनता देगी वोट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले पाँच सालों में किए गए कार्यों को देखकर जनता वोट करेगी। साथ ही उन्होंने इस दौरान आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि वो गेम चेंजर नहीं है, पहले तो वो गेम में आए फिर चेंजर होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। जारी लिस्ट में रीवा की चार सीटों के सेटिंग MLA को दोबारा मौका दिया गया है, जबकि चार सीटों में अभी भी प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। रीवा राजेंद्र शुक्ल सिरमौर, दिव्यराज सिंह मऊगंज, प्रदीप पटेल और देवतालाब से गिरीश गौतम को फिर मौका दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पाँच साल जनता के लिए काम किया है, जो वादे किए वो निभाए हैं और जो वादे किए गए हैं वो निभाएंगे, ये जनता को पता है और इसी को देखकर वो वोट करेगी। उन्होंने इस दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी अभी गेम में नहीं है, पहले वो गेम में आए उसके बाद वो गेम चेंजर बनेगी। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का रीवा दौरा को लेकर कहा कि ये लोकतंत्र का त्यौहार है, जैसे गंगा नदी में महाकुंभ होता है जहाँ कोई भी डुबकी लगा सकता है, वैसे ही इस त्यौहार में कोई भी शामिल हो सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, ये तो जनता के ऊपर है कि वो अपना आशीर्वाद किसे देती है। उन्होंने सनातन धर्म पर सवाल उठाने पर कहा कि यदि सनातन धर्म को हम सही सलामत रख रहे हैं, जिसे RSS का प्रयोगशाला कहा जा रहा, तो हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। सनातन धर्म पर हमला करने वालों को विकास में लोढ़ा माना जाता है, हमें सनातन भी चाहिए और विकास भी। पहले आम आदमी गेम बने फिर चेंजर वादे बनेगी, पहले गेम तो बने, अभी तो गेम में ही नहीं है ना, पहले गेम में आ गए तब चेंजर बनेगी, अभी तो गेम में आना चाहिए। भाई दोनों 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 मुद्दे रहते हैं। एक तो हमने जो पांच साल काम किया उसको बताने का काम करेंगे कि हमने ये काम किया, इस आधार पर एक आने वाले काम की जब हम घोषणा करते हैं तो पिछला वाला काम करके हम ये बताना चाहते हैं कि हम घोषणा करने के बाद उसका हम अमल करते हैं, तो जनता का विश्वास होता है कि हमने जो घोषणा की हमने उसको पूरा किया, तो जनता विश्वास करेगी कि हम अब जो कहने जा रहे हैं, हम जो करने की बात कर रहे हैं वो पक्का करेंगे, क्योंकि पाँच साल में हमने जो कहा था हमने उसको करके दिखाया। इसलिए दोनों मुद्दे रहते हैं, किए गए कामों की बात करना, उससे जनता के प्रति एक मन में उसके विश्वास पैदा होता है कि हाँ ये काम इन्होंने कहा था किया, तो आगे भविष्य में जो हम काम की बात करेंगे कि ये काम हम करने वाले हैं उसमें जनता विश्वास करेगी, इसलिए हमारे साथ करेगी। हमारा काम है लोगों की सेवा करना, क्षेत्र का विकास करना, बाकी अभी उनके हाथ में, जनता के हाथ में वो क्या निर्णय देते हैं उनका, उनके निर्णय को स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्या निर्णय है कि हम ये निर्णय तो उनको देना, जिनको निर्णय देना है वो हम कैसे कहें कि क्या निर्णय है। अपन उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह का सेवा भाव हमने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, सरकार की तरफ से जो भी विकास के काम हो सकते वो कराने का प्रयास किया, उससे लगता है कि जनता आशीर्वाद देगी और फिर से एक अवसर और प्रदान करेगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं बहुत अच्छा लोकतंत्र का यही तो पर्व है ना भैया, सबको शामिल होना चाहिए ना भाई। गंगा नदी में जब गंगा गंगा के भीतर हम जाते हैं, महाकुंभ लगता है, तो किसी को रोकते हैं क्या? किसी को नहीं रोकते। उसी तरह से ये चुनाव में लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सबको आने को, दो डुबकी लगाने का सबको अधिकार है। अब वो गंगा मैया की कृपा है कि किसको आशीर्वाद देती है किसको नहीं देती है उनके ऊपर है, तो डुबकी लगाने दीजिए, वो भी आएंगे, वो दूसरे भी आएंगे, सब लगाएंगे। यदि सनातन धर्म को हम सही सलामत रखते हैं, जिसको RSS की प्रयोगशाला कहा जाता है, तो हम इसको स्वीकार करते हैं, हम प्रयोगशाला में हैं, हम इसको इनकार नहीं सकते। सनातन धर्म पर हमला करने वालों को यदि ऐसा माना जाता हो कि वो विकास के विरोधा है, ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। हमारा सनातन भी चाहिए, हमारा धर्म भी चाहिए, हमारी आस्था भी चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास भी चाहिए, हमारे प्रदेश का विकास भी चाहिए, सारी चीज़ों का सामंजस्य बैठा करके हम, हमको काम करने की आवश्यकता, हम इस विचारधारा के। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल का चेहरा है, कमल चुनाव चिन्ह है और हम सबका चेहरा कमल है, उस चेहरे के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, कमल चुपचाप हमारी साथ, कमल निशान पूरे क्षेत्र की जनता की साथ, कमल निशान कार्यकर्ताओं की साथ, कमल निशान हमारी पहचान, कमल निशान। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।